वेलकम बैक गाइस, अपने चैनल पे रहने के लिए आप सबका धन्यवाद पहले। एंड जो आपके अपने चैनल पे डिमांड थी, कम बजट में बड़ा घर आपने देख रहे थे। आप कहते थे मैक्सिमम आपकी 1.5-2 CR के आसपास की प्रॉपर्टीज होती है, बट जो आज आपके लिए लेकर आए हैं, लोकेशन वाइज, यहाँ पे जेनेट्री वाइज, प्रॉपर्टी के साइज के अकॉर्डिंगली रेट काफ़ी अच्छा है। ये घर हमारा 140 गज में बना हुआ है, इंटीरियर वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है, 4 BHK ये घर है। सबसे बड़ी बात इसकी कनेक्टिविटी, आप हाईवे से को 700-800 मीटर पे रहने वाली है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं आपको घर का एलिवेशन दिखाता हूँ एंड घर का टूर हम स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, अभी ना हम आ चुके हैं अपने घर के बाहर एलिवेशन के ऊपर। एलिवेशन आप देख रहे हो, घर का काफ़ी अच्छा ह्यूज साइज का एलिवेशन बना हुआ है। 140 गज में ये घर का एलिवेशन और 22 फुट का फ्रंट, घर का एलिवेशन काफ़ी अच्छा निखर के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये घर के आप लोकेशन देखोगे, सारी सड़कें यहाँ पर बनी हुई है, MCK सारी, आपको वाटर, सीवरेज सप्लाईज वगैरह आपको सारी गवर्नमेंट के मिलने वाली। एंड यहाँ पर पार्किंग की बात करें, एक गाड़ी आपके घर के बाहर लग जाएगी। एंड जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं, 140 गज जगह है, मीन से हमारे घर में एक SUV गाड़ी आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हो। 2 व्हीलर के लिए स्पेस यहाँ पे है। अगर आप इन फ्यूचर एक गाड़ी की कार पार्किंग यहाँ पे करना चाहो, तो ये आयरन की रेलिंग है, डिजोल्व करके आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, एक गाड़ी की कार पार्किंग यहाँ पे पार्क हो जाएगी। एंड वेलकम हॉल, यहाँ पे आपको वुडन वर्क देखने को मिलने वाला है। 4 BHK घर है, ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स है, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स है, प्रॉपर एक सेट बनाया हुआ है, स्टेयर से बाहर से है। अगर आप अपना फर्स्ट फ्लोर रेंट आउट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर पे मैश डोर आपको लगा के दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको डीको पेंट के साथ 8 फिट का काफ़ी अच्छा डिजाइनर गेट मिलने वाला है। एंड घर में जैसे ही एंटर होते हैं ना हम, यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा ड्राइंग, डाइनिंग और लिविंग एरिया। आपका ड्राइंग एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ड्राइंग एरिया को सेपरेट करा हुआ है वुडन की पार्टीशन के साथ, फॉल सीलिंग में भी वुडन वर्क करा हुआ है, प्रोफाइल लाइटिंग का यहाँ पे यूज करा गया है, वेंटिलेशन के लिए आपकी यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाएगी, वॉलपेपर का यहाँ पे काम करा हुआ है विद POP बॉर्डरिंग। एंड इसी के साथ में निकलेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में आपका TV पैनल आ गया, वॉलपेपर का वर्क यहाँ पे आ गया। एंड पूरी प्रोफाइल लाइट आप देखोगे फॉल सीलिंग में, पूरी प्रोफाइल लाइटिंग यहाँ पे रनिंग में आपको दी गई है। एंड डाइनिंग के ऑपोजिट आपकी आ जाएगी यू शेप में मॉडुलर किचन, जो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पेंट्री के लिए स्पेस यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है, साउंड प्रूफ सिंक्स यहाँ पे आपके। एंड जो किचन है ना, आपको कैबिनेट्स देखने के लिए मिलेंगे, वो सारे हैटिक की सॉफ्ट क्लोज रहेंगे, गैस के पाइपलाइन के प्रोविजन, चिमनी के लिए प्रोविजन, RO गीजर सारे यहाँ पे प्रोविजन दिए हुए हैं। एंड जो यहाँ पे सैनिटरी वर्क होने वाला है, वो भी आपको जैगुआर की ब्रांड का आपको सैनिटरी फिटिंग मिलेगी। ये आपका आ गया फर्स्ट बेडरूम। जो ये फर्स्ट बेडरूम का साइज आपको बताना चाहूँ, ये 11.5x13 का साइज होने वाला है। कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे यहाँ पे चूज करे हुए हैं। बैक साइड की वॉल आपको बेड के डिजाइनर मिलने वाली है, आपके स्लाइडर वार्डरोब्स मिलने वाले हैं, फुल हाइटेड वार्डरोब्स है, ड्रेसिंग एरिया आपका यहाँ पे बना के दिया हुआ है। एंड जो अपने वार्डरोब्स हैं उसके साथ का ही मैचिंग आपका यहाँ पे TV पैनल आ गया। TV पैनल में कलर कॉम्बिनेशन पूरे घर में ध्यान रखा हुआ है, इसी के साथ कलर कॉम्बिनेशन का पूरा आपके प्रोफाइल लाइट और आपके डाउन सीलिंग में भी ध्यान रखा हुआ है। इसके साथ आपका आ जाएगा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में भी आप देखोगे एक काफी अच्छा एम्बियंस लुक क्रिएट करी हुई है। यहाँ पे आपकी सीट्स आ गई, प्रोफाइल लाइटिंग, एम्बियंस लाइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ, फुल हाइट आपकी टाइल्स रहने वाली है। एंड यहाँ से रहेगा आपका एक्सेस बैक साइड बालकनी, वॉशिंग एरिया कह सकते हैं आप इसे, बैक साइड बालकनी भी कह सकते हैं। बैक साइड बालकनी में भी आप देखोगे अप्रोक्स से 10 फिट वाइड और 8 फिट वाइड होने वाली है, 10 फिट की इसकी लेंथ होने वाली है। यहाँ पे आपका टाइल वर्क हुआ है, बैक साइड पे रेलिंग हुई हुई है, सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट है वो हमारा क्लियर कट मेंशन हो चुका है। एंड यहाँ इसी के साथ में हमारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा इस साइड पे। सेकेंड बेडरूम में भी आपकी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपकी यहाँ पे विंडो आ जाएगी, बेड के बैक साइड की वॉल वो आपकी डिजाइनर आ गई, कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन के लिए
पूरे घर में आपको फुल हाइट वार्डरोब्स आपको स्लाइडर्स मिलने वाले हैं, एंड सेम एमिनिटीज आपका जैसे फर्स्ट बेडरूम का आपका टीवी पैनल था, डिजाइनिंग चेंज करके आपका ये टीवी पैनल आ गया, अटैच वॉशरूम आ जाएगा। आप वॉशरूम की फॉल सीलिंग भी देख रहे होगे ना, उसमें आपको प्रोफाइल लाइटिंग का आपको काम करके दिया हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो आ जाए। एक ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, दो वॉशरूम, वॉशिंग एरिया, दो अटैच बेडरूम्स, ड्रॉइंग डाइनिंग स्पेस एंड आपकी यू शेप के लग्जरी सी किचन। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर भी अपना बड़ा आलीशान होना है, पूरी वीडियो में बने रहिए। अभी ना हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। जैसा नाम ना अपने फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, फ्रंट पे आपको देखने की मिलेगी बालकनी स्पेस, वो काफ़ी अच्छी है। रनिंग में टफन ग्लास एसएस का यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे आपको डबल हाइट देखने की मिल जाएगी, जो आप 300-400 गज के में डबल हाइट देखते हैं ना, वो आपको 140 गज में भी आपको आज देखने के लिए मिल रही है। एंड यहाँ पे आपकी एक छोटी सी सीटिंग एरिया है, एंड आप स्टेयर्स के नीचे ये सेकंड फ्लोर तक भी बिल्डर आरसीसी की आपको स्टेयर्स बना के दे रहा है। अगर इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करना चाहो, आप एक फ्लोर प्रॉपर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एंड एक स्टोर रूम स्टोरेज के लिए आपके स्टेयर्स के नीचे स्पेस है। एंड जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं, आपको डबल मैश डोर यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। आपका एंट्रेंस गेट काफ़ी अच्छा है। बिल्डर ने सबसे बड़ी बात है ना, जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर था वैसे ही आपका फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। जैसे एंटर होंगे आपको यहाँ पे रनिंग में ड्राइंग डाइनिंग स्पेस देखने के लिए मिलेगी। टीवी पैनल आपका यहाँ पे आ गया, टीवी पैनल में डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी यूज़ करवा है। एंड सबसे बड़ी बात ना, इस घर में एक प्लस पॉइंट क्या ना, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करा हुआ है ना, वो काफ़ी अच्छा है, आंखों को ना बड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए। लाइट कलर थीम बेसिक घर है। ड्राइंग डाइनिंग की जो वेलकम वॉल है, उसमें वॉलपेपर का वर्क, पीओपी का वर्क एंड फॉल सीलिंग में आपको कंसील लाइटिंग, प्रोफाइल लाइटिंग का प्रॉपर काम करा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपकी यहाँ पे विंडो आ जाएगी। एंड अगर इसी के आगे देखें, हमारा डाइनिंग यहाँ पे आ गया। आप उस साइड अपना सोफा लगाओगे 5 सीटर, आपकी यहाँ पे किचन है, तो आपको किचन में वहाँ पे आपका गेस्ट बैठा हुआ किचन में कोई नहीं देख पाएगा। एंड 6 सीटर डाइनिंग यहाँ पे लग जाएगा। उसके ऑपोजिट आपकी आगे एल शेप में अच्छी सी बनी हुई हमारे घर की फर्स्ट फ्लोर की स्पेशियस किचन। किचन में आपको हाइड्रोलिक्स, हाईटेक के सॉफ्ट क्लोजर्स, आपको एज इट इज जो आप देख रहे हो इस वीडियो में, आपको एज इट इज मिलने वाला है। साउंड प्रूफ सिंक्स आ जाएंगे आपके क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, किचन में विंडो आ जाएगी, आरओ चिमनी गीजर के सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने छोड़े हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको 2 बेडरूम्स मिलने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। फर्स्ट बेडरूम में आप देखिए अभी वॉलपेपर का वर्क काम पेंडिंग है, तो पेंट की आपको बैक साइड पे क्वालिटी दिख रही होगी। फिर आपके डाउन सीलिंग में डिजाइन यहाँ पे चेंज करे गए हैं, काफी अच्छे सिंपल से डिजाइन यहाँ पे यूज करे गए हैं। एंड यहाँ पे आपका आगे स्लाइडर वार्डरोब्स, आपको पूरे घर में स्लाइडर वार्डरोब्स मिलने वाले हैं ड्रेसिंग एरिया के साथ में। टीवी पैनल आपको पूरे घर में मिलने वाले हैं, 3-4 बेडरूम में चारों आपको टीवी पैनल के साथ मिलने वाले हैं। 2 ड्राइंग रूम है, दोनों ड्राइंग रूम्स में आपको टीवी पैनल मिलने वाले हैं। एंड ये आपका आ गया थर्ड अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में अभी लाइटिंग का काम नहीं हुआ, बट यहाँ पे भी आपको फुल हाइट टाइल्स मिलेंगी। एंड ये फर्स्ट फ्लोर का आपका आ गया बैक साइड का वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में भी आप देख रहे हो बैक साइड पे रेलिंग प्रॉपर करी हुई है, एंड आप प्रॉपर यहाँ पे एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रख सकते हो। इधर भी काफ़ी अच्छी स्पेस है रनिंग में, अप्रोक्स ये आप लगा लीजिए 4 फुट वाइड है और ये लेंथ 10 फिट की रहने वाली है, जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था। एंड इस बेडरूम के साथ ही आपको एक और बेडरूम है, मिस के हमारा लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा फोर्थ बेडरूम। गाइस फोर्थ बेडरूम अभी इसका वुडन वर्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे आपको वार्डरोब्स बना के दिए जाएंगे, टीवी पैनल आपका लगा के दिया जाएगा। तो इस बेडरूम का आपको साइज का काफी अच्छा यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अटैच आपका यहाँ पे भी आपको वॉशरूम मिलने वाला फुल हाइट टाइल्स के साथ में। इस बेडरूम में भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपकी विंडो आ गई। एंड गाइस जैसे हमने इस घर का लुक और वीडियो का हमने एक टूर लिया, वो ये घर आपको काफी अच्छा समझ आ रहा होगा। अगर इस घर के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका होस्ट और दोस्त वैभव धीमान फिर आपके लिए हाजिर होगा अगली नया घर लेकर। तब तक अपने चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।